नमस्कार सभी साथियों को, एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार स्टडी मटेरियल फॉर एग्जाम पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत है साथियों। तो हम बात करने वाले सीएम अनुपूर्ति कोचिंग योजना जो सत्र 2023 और 24 के लिए जो चल रही थी उसका जो सेकंड जो पेज है वो बाकी था साथियों। यानी टोटल जो सत्र 2023 और 24 के लिए जो मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना है वो 30,000 सीटों पर आए रखी थी, ये आप सबको पता है। जिसमें प्रथम चरण में है वो आपके टोटल आवेदन कितने हुए थे, प्रथम चरण में कुल आवेदन हुए थे 41,512, जिसमें से 19,315 स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया। यानी 19,315 स्टूडेंट है जिनको अस्थायी सूची में डालकर उनको कोचिंग आवंटित की गई, उसके बाद में अस्थायी सूची में डाला, फिर उनको शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद फिर वापस उनको फाइनल सेलेक्ट स्टेट एडमिट किया, फिर उनका कोचिंग नंबर है। उनमें से आधे बच्चे हैं ऐसे जिनको कोचिंग मिल चुकी है, बाकी किसी ने फॉरम के कारण, किसी की डॉक्यूमेंट के वजह के कारण ऐसे करके उनको वापस बाहर निकाल दिया गया। काफ़ी बच्चे ऐसे निकल गए। तो मान के चलो 19,315 में से समथिंग 10,000 या 15,000 के आसपास ही इनको कोचिंग मिली है, बाकी बची 15,000 सीटों पर जो है वो सेकेंड फेज के आवेदन प्रारंभ होने वाले हैं। कब से होने वाले दिनांक बता दूँ सबसे पहले आपको मैं, 10 जुलाई से प्रारंभ होने की पूरी संभावना है, क्योंकि आज ये कट ऑफ देख सकते हो आप अखबार की है स्क्रीन पर। 10 जुलाई से सीएम अनुपूर्ति कोचिंग योजना के दूसरे चरण के जो है आवेदन वो प्रारंभ होने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले संपूर्ण बात कर लेते हैं इस सीएम अनुपूर्ति कोचिंग योजना से संबंधित। अपने यूट्यूब चैनल के एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें सत्र 2022 का एक अलग प्लेलिस्ट है, ठीक है। आवेदन प्रारंभ से लेकर अपने कोचिंग ज्वाइन तक का संपूर्ण प्रोसेस उसमें बता रखा है, प्रत्येक वीडियो में आप अलग अलग देख सकते हो या एक वीडियो में वो भी बता रखा है। सत्र 2022 और 23 का भी एक अलग से वीडियो हमने बनाया गया, आप उसमें भी देख सकते हो। बात करें 2023 और 24 के लिए, उसमें प्रथम चरण कंप्लीट हुआ, सेकंड चरण के आवेदन 10 जुलाई से स्टार्ट होने वाले। कुल पदों की बात करें साथियों तो कुल पद इसके अंदर होने वाले 30,000। यानी राजस्थान गवर्नमेंट हर साल जो असुविधाग्रस्त वगैरह है, जो अस्थायी रूप से पढ़ नहीं सकते कोचिंग इंस्टीट्यूट में, उनके लिए गरीब जो बेसहारा स्टूडेंट है उनके लिए प्रतिवर्ष 30,000 बच्चों को निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की जा रही है, और उनके लिए 40,000 रुपये तक की हॉस्टल सुविधा जो आरएस वगैरह और आईएएस वगैरह सिविल सर्विसेज और मेडिकल सर्विसेज वालों को ही मिलती है। वो तो है अपने हॉस्टल की 40,000, हॉस्टल का अलग से वीडियो बना रखा है कौन कौन किसको किस हिसाब से हॉस्टल मिलती है, वो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो, वो प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। और टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हो, वहाँ पर सभी ऑफिशियल न्यूज़ मिलती है। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। योग्यता की बात करें तो 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी कर रखी है आपने वहाँ उस हिसाब से कर सकते हो, जैसे को एजुकेशन अपने किस भर्ती की आप तैयारी करना चाहते हैं, जिस भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं उस भर्ती की क्वालिफिकेशन क्या है, उस क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप इसमें एलिजिबल हो। जैसे आप राजस्थान पुलिस की करना चाहते कोचिंग, तो राजस्थान पुलिस की करना चाहते तो राजस्थान पुलिस की जो एलिजिबल वो क्या है योग्यता, तो उसमें होती है 10th और 12th पास। तो अगर आपने 10th और 12th कर रखी है तो इस योजना में आप आवेदन कर सकते हो। थर्ड ग्रेड में आवेदन करना चाहते हो, बीएड और बीएससी अगर आपके कंप्लीट है तो आप इस योजना में आवेदन कर सकते हो, ठीक है। अपेयरिंग वाले जो फाइनल अपेयरिंग चल रहे हैं वो भी आप आवेदन कर सकते हैं, जैसे बीएससी फाइनल अपेयरिंग चल रहा है तो वो आवेदन कर सकता है। एआरएस के लिए आवेदन करना तो बीए फाइनल वगैरह ग्रेजुएशन वगैरह जो अपेयरिंग फाइनल अपेयरिंग चल रहा है वो भी आवेदन कर सकता है, कोई प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। योग्यता बता दी 10th 12th ग्रेजुएशन और जिस भर्ती के लिए आप आवेदन करना चाहते हो उस भर्ती के योग्यता के अनुसार इसकी ये होती है। तीसरी चीज़ आयु सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। आयु सीमा 18 हो 17 हो तो भी चल सकती है, 17 से समथिंग ले रहे सबको, 18 से प्लस होने चाहिए आयु सीमा। बाकी मैंने डिटेल बता रखी, फीस इसमें नो फीस है, किसी प्रकार की कोई चालान फीस नहीं है। बाकी जो आप ई मित्र पर जाइए एसएसओ आईडी लॉगिन कीजिए, वहाँ पर एसएसओ आईडी करने के बाद एसजेई सामाजिक अधिकारिता विभाग का एक पोर्टल है, वहाँ पर जाके आप रजिस्ट्रेशन करके वहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई फीस नहीं है। बाकी ई मित्र वाला 150 रुपये जो लेगा उसकी फीस है, बाकी कोई इश्यू नहीं है। दस्तावेज मैंने बता दिया 10th 12th ग्रेजुएशन आए जाते मूल टोटल में दस्तावेज ऑलरेडी बता रहा, कि फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले आप अपना आधार कार्ड फिर एक जन आधार कार्ड, सबसे पहले आज टोटल काम है जन आधार कार्ड पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये तो कॉमन चीज़ हो गई। उसके अलावा आप 10th 12th ग्रेजुएशन जो आपने डिग्री योग्यता कर रखी है टोटल डॉक्यूमेंट, उसके बाद में आपका आय, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो आय, फिर जाति प्रमाण पत्र, फिर मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, आय जाति मूल, अगर आप ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस जो प्रमाण
पत्र, ये कॉमन डॉक्यूमेंट है जो आपको कंप्लीट करने हैं और इस जो प्रतियोगिता में आवेदन करोगे तो आप एसएसओ पर जो एसजेई पोर्टल है वहाँ पर आपको ये डॉक्यूमेंट आवेदन करते समय मांगे जाएंगे। दस्तावेज की बात कर ले, चयन प्रक्रिया की संपूर्ण प्रोसेस की बात कर लेता हूँ मैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम, जब आप ऑनलाइन आवेदन करोगे, एक नंबर चीज़ कोचिंग में ऑनलाइन आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, अपने ई मित्र पर जाना है और ऑनलाइन आवेदन करना है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जैसे आवेदन आपके आप 10 जुलाई से समथिंग प्रारंभ है, 10 जुलाई से मान के चलो आप 30 जुलाई तक आपके आवेदन किए जाएंगे, तो रिजल्ट आएगा उसके बाद में। उसके बाद में क्या आएगा रिजल्ट, यानी आपको अस्थायी सूची जारी करेंगे। प्रथम चरण की बात करें तो 6 अप्रैल से आपके जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ किए थे या चले थे आपके 30 अप्रैल के आसपास तक चले थे, और मई प्रथम सप्ताह के अंदर आपकी अस्थायी वैधता सूची डाल दी गई। प्रथम सप्ताह के अंदर जो अस्थायी सूची वो जारी कर दी गई। अस्थायी सूची के बाद फिर डीलो के पास गए, फिर वहाँ पर सेलेक्ट सबमिट किया, सबमिट द फॉर्म सबमिट के बाद अस्थायी सूची में गया, अस्थायी सूची के बाद में फाइनल सेलेक्ट बाय स्टेट एडमिन किया, उसके बाद आपको कोचिंग आवंटित कर दी गई। तो सेम प्रक्रिया यहाँ चलने वाली है आपके, 10 जुलाई से 30 जुलाई तक समथिंग संभावित तिथि यही है, आवेदन प्रारंभ होंगे उसके बाद में आप आवेदन कंप्लीट कर दोगे तो आवेदन आ जाएगा आपके यहाँ, स्टेटस बताएगा सबमिटेड, ठीक है। आवेदन सबमिटेड होने के बाद फिर अगर आपके 10th और 12th में अगर 12th में अच्छे परसेंटेज है तो आपको अस्थायी सूची वरिष्ठता में डाल दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप मान के चलो यहाँ पर अगर आपके आवेदन 30 जुलाई तक खत्म हो रहे हैं तो अगस्त या अगस्त माह माना जा सकता है, अगस्त माह फर्स्ट वीक प्रथम सप्ताह, प्रथम सप्ताह के अंदर आपकी फर्स्ट जो लिस्ट है अस्थायी सूची वो निकलने की पूरी पूरी संभावना है। उस लिस्ट के निकलने के बाद फिर आपको कुछ 15-20 दिनों के बाद में आपके एक वापस एसएसओ पर दर्शाया जाएगा कि फाइनल सेलेक्ट बाय स्टेट एडमिन, आपको यो फाइनल सेलेक्ट कर देंगे। फिर उसके बाद में एक मंथ का टाइम दिया जाएगा आपको कि एक महीने में अगर आप फाइनल सेलेक्ट बाय स्टेट एडमिन आ रहा आपके स्टेटस एसएसओ पर, तो आप एक महीने में आपने जिस कोचिंग संस्थान से आपने आवेदन कर रखा है उस कोचिंग संस्थान में जाइए, बायोमेट्रिक कीजिए और उस कोचिंग संस्थान में आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। बाय द वे कोई ज्वाइन नहीं करता है तो जो सीटें खाली रहती हैं उसके बाद में एक जो वापस जो क्या बोलते हैं वेटिंग लिस्ट, तो लास्ट में एक वेटिंग लिस्ट भी निकलती है। तो ये था संपूर्ण प्रोसेस, उसके बाद में कोचिंग में जाइए, बायोमेट्रिक कीजिए, उस हिसाब से आपको कोचिंग वाले ऑफलाइन कोचिंग करवा देंगे, अगर उनके पास जो अवेलेबल है ऑनलाइन कोचिंग तो वो भी आपको दे देंगे, वो कोचिंग पर डिपेंड करता है कि दे या ना दे, बाकी ऑफलाइन कोचिंग की जिम्मेदारी रहती है। पैसा की बात करें, पैसा खाते किस में आता है, तो इसका सारा भी जो केस वगैरह है पैसा वो कोचिंग का, तो कोचिंग के हिसाब से आता है, जिसकी जो कोचिंग की फीस है वो कोचिंग वालों को डीपीटी के माध्यम से डायरेक्ट कोचिंग वालों को ही मिलती है, आपको नहीं मिलती है, आपको सीधा हॉस्टल की सुविधा मिलती है और हॉस्टल वाली सुविधा मैं आपको अलग से वीडियो में मैंने बता दी गई है। तो साथियों मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है वो आपके एकदम समझ में आ गई होगी। साथियों अगर किसी प्रकार का सीएम अनुपूर्ति कोचिंग योजना से संबंधित कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर कीजिए, मैं आशा करता हूँ मैं कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता रहूँगा, और अपने सभी साथियों के साथ एक वीडियो शेयर कर दीजिए सभी साथियों को, क्योंकि इसमें कर भला तो हो भला, सभी को ये भला हो सकता है, सभी को पता चल गया सेकेंड स्टेप का आवेदन जो अपने किया। हाँ बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या ऑनलाइन आवेदन जो फर्स्ट स्टेप में किया था क्या उनको सेकेंड स्टेप में आवेदन करने की आवश्यकता, नहीं, जिन्होंने प्रथम बार आवेदन कर दिया है उनको वापस इसमें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि अपडेट करने का ऑप्शन मांगा जा सकता है, ठीक है। कईयों को अस्थायी वरिष्ठता सूची में डाल दिया गया लेकिन बाकी सबमिटेड ही है तो उनका फॉर्म लगाने की आवश्यकता नहीं है, सबमिटेड वालों वापस आपको अपडेट करने का आपको ऑप्शन दिया जाएगा। नए आवेदन किन को करना है, जिन्होंने एक बार भी आवेदन नहीं किया वो आवेदन नहीं है, सेकेंड चरण में आप आवेदन कर सकते हो, तो समझ गए आपके, जिन्होंने आवेदन कर रखा है वो आवेदन ना करें, ओनली फॉर आवेदन जो अपडेट किया जाएगा वो अपडेट ही करना होगा। हालांकि कोई नया नोटिफिकेशन आएगा तो आप टेलीग्राम से जुड़े रहिए, यूट्यूब से चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को और पे क्लिक कीजिए, जो भी नया नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको वापस सूचना भेज दूंगा, आप आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि अपडेट का ही ऑप्शन आएगा। बाकी जो जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो आप एक बार क्या करें ऑनलाइन आवेदन वापस कर दें, 10 जुलाई से जब प्रारंभ हो गए मैं एक बार फिर वीडियो लेकर आपको आपके साथ में हाजिर होगा साथियों। तो धन्यवाद, आशा करता हूँ आपके मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई आपको एकदम सही और सही सटीक समझ में आ गई होगी। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं आपको एक अगले नए वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।